रामपुर शहबाद नगर के निरीक्षण भवन में भाकियों राजनीतिक ने बैठक करके भू माफियाओं का पुतला फूंका। कहा कि गंगा जी में जल नहीं है और दशहरा स्नान करीब है, बिजली घर में प्याऊ लगाना अति आवश्यक है। ग्राम समाज भू माफियाओं से निकालकर गरीब किसानों को पट्टे किए जाएं। शहबाद निरीक्षण भवन में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के परशुराम शर्मा ने कहा कि राम गंगा में कारखानों का विषैला पानी आकर जुड़ गया है। गंदे बदबूदार पानी में स्नान करना मुश्किल है, पानी की काफी कमी है। अभी तक ऊपर से पानी नहीं छोड़ा गया है। दाकुरिया व मदारपुर सैफनी में स्नान होता है। धूप गर्मी से बचने को टेंट आदि का कोई इंतजाम भी नहीं है। साथ ही तहसील शहबाद में हजारों बीघा सरकारी भूमि विभिन्न विभागों की है, जो कि क्षेत्र के भू माफिया कब्जा करके प्लॉटिंग कर बेच रही हैं। परंतु शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन टाल जाता है। भाकियों की मांग है कि सरकारी जमीनें भू माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराकर गरीब किसानों को पट्टे दिए जाएं, ताकि मजदूर मजदूरी करके परदेश न जाकर यहीं पर काम करें। पशुपालन, बेलदारी, सब्जी उगाएं, ताकि दूध सब्जी उत्पादन बढ़े और महंगाई कम हो। बैठक में किशन पाल, साहिब सिंह, नन्नी सागर, प्रेम पाल सिंह, पप्पू कश्यप, संजीव लीलाधर, जगत सिंह, सत्यपाल सिंह, गुलाम रसूल सभी ने मिलकर भू माफियाओं का पुतला फूंका। और यहाँ पर एक भूमि जो है, जैसे ग्राम समाज है, ग्राम समाज की बैठक की कम से कम लगभग 5000 हेक्टेयर भूमि तहसील साहबाद में। आप क्या चाहते हैं उस जमीन के लिए? हम ये चाहते हैं कि वो भू माफियाओं के कब्जे में है, कुछ चंद लोगों के, और वो चंद लोगों के कब्जे में जो भूमि है, उस भूमि को निकाल करके गरीबों को दी जाए और वो पट्टे पे दे दी जाए भूमिहीनों के लिए, जिससे उनका पलायन, मजदूरी करने चंडीगढ़ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, वो बच जाए और यहाँ खेतों में अपना काम करना शुरू कर दें, अपनी गुजर बसर यहाँ करना शुरू कर दें। गाँव में रुकेंगे, मजदूर मिलेंगे, हमारा काम भी साथ में चलेगा, छोटे किसानों का। लेकिन जब आदमी होगा ही नहीं, बाहर होगा तो हम किससे काम करवाएंगे? मजदूरी 400 रुपये चल रही है आज। अगर किसान को पट्टे पे भूमि होती, खेत जोतता होता, बैल चलाता होता, तो आज ये मजदूरी 200 रुपए की होती और दूध भी सस्ता होता। जैसे गाय छोड़े फिर रहे हैं, गाय को कोई नहीं पूछ रहा, खेती नष्ट कर रही है गाय, किसान पालता है ही नहीं तो किसान पाले कहाँ से। तो कहने का मकसद ये है कि गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, जो किसान भूमिहीन है उन्हें भूमि पट्टे पर दे दी जाए। इसके अलावा और कोई मांग? इसके अलावा हमारी मांग ये है, जैसे 132 की भूमि है, 132 की भूमि का मतलब होती है खलिहान और खाद के गड्ढे। खलिहान और खाद के गड्ढे किसी गांव में भी नहीं है, सब लोगों ने जोत रखे हैं वो, और कुल चंद लोगों ने, एक आदमी ने पूरे गांव को परेशान कर रहा है, और वो आदमी सत्ता पक्ष से कहीं ना कहीं मिला हुआ है। दूसरी भूमि है राज्य सरकार की, राज्य सरकार की, जैसे बड़ा गाँव है, पट्टी है, नदमर है, खंदेली है, और ये खंदेली है, और क्या नाम है इसका, ये तकिया वाला गांव है, ये भगवंतपुर है, अनवा है, टांडा है, इनमें हजारों बीघे भूमि राज्य सरकार और उद्यान विभाग की है, जिन पर अवैध कब्जे कर लिए हैं, लोगों ने मकान बना लिए हैं और खेती कर रहे हैं इन पर।